बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत में पहली बार मेरठ बंद का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ बंद के आह्वान के चलते बाजार, इंडस्ट्रीज, स्कूल, यहां तक कि डॉक्टर के समर्थन के बाद अस्पताल भी बंद रहा। हिंदुओं पर हो रहे विरोध के चलते मेरठ में एक विशाल जुलूस भी निकाला गया। हाथों में केसरिया रंग के झंडे लिए इस विशाल जुलूस में हजारों लोगों ने भाग लिया और अपना विरोध जताया। हाथों में केसरिया झंडे और जुबान पर बांग्लादेश विरोधी नारे आज मेरठ की सड़कों पर गूंजते रहे। हजारों लोग हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में उत्तर प्रदेश के मेरठ में सड़कों पर उतर आए। बाजार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सब कुछ बंद रहा। यह बैंड का अपहरण बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के विरोध में किया गया था। सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक सभी ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर जुलूस में भाग लिया और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का विरोध किया। हमारी मांग यह है कि जो बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों के साथ और हिंदू भाइयों के साथ और व्यापार जो करते हैं हिंदू, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके सील को भंग किया जा रहा है, उनके घरों को, व्यवसाय को जलाया जा रहा है, या तो वहां पर उन हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए। वहां की सरकार से हमारा ये निवेदन है अपनी सरकार के द्वारा, और जो यहाँ के बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं, हमारे भारत में तो सब सुरक्षित है, हमने किसी के साथ कुछ गलत अत्याचार नहीं करते हैं। वहाँ अल्पसंख्यकों को क्यों परेशान किया जा रहा है? या तो उन्हें भारत भेजा जाए, यहाँ की नागरिकता उन्हें मिले, उनका सम्मान हो, या फिर सरकार के द्वारा उन्हें वही सुरक्षा मिले। हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में यह जुलूस निकाला गया। यह बंद अभूतपूर्व रहा। मेरठ में कोई भी दुकान नहीं खुली और लोगों ने हाथों में केसरिया रंग देकर हिंदुओं की एकता की अलख जगाई। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।